Hey, this is Komal. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. तो आज के वीडियो में जिस रैंडम थिंग को मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो एक्चुअली ऑलमोस्ट सबके घर में होता है, सबके किचन में होता है एक्चुअली. आज रैंडम थिंग को मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ वो है मैं जिसे हम मोर्टर एंड पेसल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में इमाम दस्ता बोलते हैं. एक्चुअली ये सबके घर में होता है. मटेरियल्स थोड़े अलग हो सकते हैं पर ये ऑलमोस्ट सबके पास होता है. तो मैंने ये हैंड क्राफ्टेड एग्जीबिशन से बाय किया था मे बी 2 ईयर्स बैक. एंड जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो ये बहुत क्यूट और इको फ्रेंडली सा लग रहा था, मुझे ये बहुत पसंद आया था तो मैंने इसे परचेज़ कर लिया था. बट स्टार्टिंग के मतलब फर्स्ट कपल ऑफ मंथ में ही इसकी पॉलिश और इसका जो लुक सारा चला गया था. मैंने सोचा क्यों ना इसको ही हम रिक्रिएट कर लेते हैं. यूज़ ज़्यादा हो नहीं पाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वो पीस है. तो आई थॉट कि हम मुझे इसको रिक्रिएट करना चाहिए थोड़ा, इससे मेरे किचन की शोभा बढ़ जाए. तो आपके साथ शेयर करूँगी अमेजिंग थिंग्स. तो वीडियो बहुत अमेजिंग होगा. सो मूविंग ऑन द वीडियो, इफ़ यू न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल बटन, जिससे कि मेरा कोई वीडियो अगर मैं शेयर करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए. सो लेट्स गेट स्टार्ट. सो जो ये मॉर्टर है इस पर ऑलरेडी एक डिज़ाइन क्राफ्टेड है जिससे इसका लुक बहुत प्रीटी लगता है. बट इसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है, इसलिए सबसे पहले मैं इस पर जैसो को अप्लाई करूँगी. सो ये ऑलरेडी क्राफ्टेड है तो वहाँ भी मैं अच्छे से जैसो अप्लाई कर दूँगी अपने खराब ब्रश से. इस खराब ब्रश को मैंने इसीलिए रखा हुआ है जिससे मुझे टेढ़ी मेढ़ी जगह पर पेंट करना पड़े तो मैं इसलिए इसको यूज़ कर सकूँ. सो मोटर कंप्लीट होने के बाद हम पेसल पे भी जैसो अप्लाई करेंगे, पर मैं पेसल को कंप्लीट जैसो नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए मैं पहले मास्किंग टेप का जो एरिया वो कवर कर रही हूँ उस एरिया को छोड़ के बाकी मैं पूरे पेसल पे जैसो अप्लाई कर दूँगी. हमारा जैसा सूख जाएगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. इसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना पेंट. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्काई ब्लू कलर. एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो में एस्थेटिक और बहुत थीम पर ही बनाई थी, मैंने कुछ कलरफुल से अप्लाई नहीं किया था. तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा चीयरफुल सा कलरफुल सा कुछ रिक्रिएट किया जाए. तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्काई ब्लू कलर और मैं फटाफट से अपने मॉर्टर पर अच्छे से पेंट कर दूँगी जो कुछ इस तरह से दिखेगा. और जो हमारा क्राफ्टेड एरिया है उसको भी मैं अच्छे से अपने ख़राब ब्रश से पेंट कर दूँगी. तो हमारा मोटर रेडी हो गया है और हम अब चलते हैं अपने पेंसिल की तरफ. उसका भी जैसो ड्राई हो गया है तो उस पर भी मैं फटाफट से स्काई ब्लू कलर से पेंट कर दूँगी. सो आज इसका बिल्कुल लुक चेंज होने वाला है. बट अभी तक मैंने इसका कोई भी डिज़ाइन अपने माइंड में नहीं बनाया है. सो वो तो एंड में पता चलेगा कि इसका फाइनल लुक क्या होगा. नो, इसे अपने ऊपर कलर नहीं करवाना है. मूविंग ऑन द वीडियो, मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी क्राफ्टेड है मैं उसका कोई भी छिड़काई नहीं करूँगी, मैं उसी को रिक्रिएट करने वाली हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हैंड क्राफ्टेड है. तो जो डिज़ाइन इसके सेंटर पर बनी हुई है मतलब लाइक फ्लावर्स एंड द लीव्स, तो वही सेम डिज़ाइन मैंने पेंसिल से एक रफ बना लिया है. सो मैं उसी को पेंट करूँगी. और यहाँ पर मैंने फ्लावर्स के लिए लिया है येल्लो कलर जो लाइक सनफ्लावर की तरह मैं यहाँ पर इसको लुक दूँगी. फटाफट से मैं सारे जो भी फ्लावर्स उस पर येलो कलर कर दूँगी. इसके बाद जो मैंने रफली बनाया था वहाँ पे मैं फ्लावर्स को कलर कर रही हूँ. मैं सेम डिज़ाइन ही यहाँ पे पेंट कर दूँगी. सो जो यहाँ पे फ्लावर्स हैं इन पे मैंने डबल कोट किया है बिकॉज़ जो मेरे येलो कलर के फ्लावर्स हैं वो बैकग्राउंड को देख के थोड़ा डल लग रहे थे तो इसीलिए मैं इन पे डबल कोट किया है. अब मैं यहाँ पे जो लीव्स हैं जो फूल पत्तियाँ टाइप की हैं उस पे मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ. सो यहाँ पे जो फ्लावर स्टॉक हैं लीव्स हैं उन्हें मैं ग्रीन कलर से पेंट कर दूँगी. Mm,
इसको पेंट करते करते मुझे अपने स्कूल टाइम की पेंटिंग याद आ गई, जो हम स्कूल्स में फ्लावर्स और स्टॉक्स बनाया करते थे, तो मुझे वो सब याद आ गया। तो इस तो जो हम स्कूल में सीखते हैं वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहती ही है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पे मैंने नीचे जो बेल बनाई थी मैं उस पर भी अब ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ। तो इसी के साथ मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर वाले साइड में भी सेम डिज़ाइन ही क्यों ना बनाया जाए, क्योंकि ऊपर का एरिया बहुत खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने सेम डिज़ाइन फूल पत्तियाँ और जो भी था वो मैंने सेम पैटर्न ऊपर पेस्ट कर दिया है, तो मैं उस पर पेंट कर रही हूँ। इस वाले डिज़ाइन के लिए मैंने कोई भी रफली डिज़ाइन नहीं बनाया है, ये मैं डायरेक्टली पेंट कर रही हूँ, बिकॉज़ ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इसे कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। तो मैंने डायरेक्टली पेंट किया और साथ ही मैं डायरेक्टली ही ये लीव्स और स्टॉक बना रही हूँ। इसके साथ ही मैं डिटेल्स पे भी बहुत ध्यान दे रही हूँ, लाइक मैंने क्यूब से लीव्स बनाए हैं, मैंने लाइट ग्रीन कलर से शेड दिया है, मैंने कलियाँ भी बनाई हैं छोटी छोटी क्यूब सी। इसके साथ ही मैं फ्लावर्स को फाइनल लुक देने के लिए ब्राउन कलर से इनमें सर्कल बना दूँगी, जिससे ये कंप्लीट सनफ्लावर लग रहा है। इसके साथ ही मैं इसके नीचे लाइंस में कुछ ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत एम्प्टी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बहुत इजी डिज़ाइन इसमें ऐड कर रही हूँ विद ग्रीन कलर। तो ये डिज़ाइन सबसे ईजीएस्ट डिज़ाइन है यार, अगर आपको कुछ ना आ रहा हो ना तो ये वाला डिज़ाइन हर जगह बना दो, चाहे मेहंदी लगा रहे हो, चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो, चाहे आप कहीं फिलिंग कर रहे हो, मंडाला में फिलिंग कर रहे हो, तो अभी बहुत आसानी से इसको आप ऐड कर सकते हो, बहुत ईजी है और बहुत क्यूट भी लगती है। इसके साथ ही मैं इसको डिटेल्स भी देती जा रही हूँ, जब मैंने लाइट ग्रीन कलर से मैंने इसके सर्कल्स पे कलर कर दिया, मैंने आउटलाइन कर दी है। इसके बाद मैं और डिटेल्स देने के लिए इसमें येलो कलर से छोटी छोटी कलियां बना रही हूँ। इसे और डिटेल देने के लिए मैंने येलो कलर की जो लीव्स हैं उसमें मैंने ब्राउन कलर से हल्का सा शेड दिया है। अब ये मैंने नीचे पेंट कर दिया है तो मुझे ऊपर का भी एरिया थोड़ा खाली सा लग रहा है, तो इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ ऊपर भी किया जाए। तो मैं ऊपर भी सेम पैटर्न ही पेस्ट करने वाली हूँ। सो मैं इसको फटाफट से कलर करूँगी, क्योंकि मुझे अपने पेसल को भी कलर करना है और उसको कलर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो बहुत क्यूट है। सेम प्रोसेस मैं येलो कलर की फूल पत्ती में ब्राउन कलर से हल्की पैटर्न दे दूँगी। तो चलते अपने पेसल की तरफ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है उसमें मैं फ्लावर बनाऊँगी येलो कलर का। सो यहाँ पे जो हमारा पेसल है इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको हम अच्छे से फ्लावर में बना दूँगी। इसके बाद हम चलते हैं नीचे की तरफ, तो जहाँ पे मैं रैंडम फ्लावर्स और लीव्स बनाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑलरेडी क्राफ्टेड कोई डिज़ाइन नहीं है, तो इसमें मैं सेम टू सेम ही डिज़ाइन बनाऊँगी, मैं कुछ डिफरेंट नहीं करूँगी, नहीं तो ये अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं हाफ फ्लावर्स बना रही हूँ, फिर मैं इनको लीव्स और स्टॉक्स के ज़रिए उनको आपस में जोड़ दूँगी। एक पॉइंट है, जब हम कोई भी चीज़ पेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें उसकी डिटेलिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब बाद में हमें वो चीज़ दिखती है ना, तो हमें बहुत रिग्रेट होता है कि हमने उस टाइम पे इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया, या फिर हमें उस टाइम पे इस चीज़ को सही से बना लेना चाहिए था। तो हमें डिटेलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, हमें एक बार नहीं बार बार अपने डिज़ाइन को देखना चाहिए, पेंट को देखना चाहिए, जिससे वो चीज़ हमें बाद में जब दिखे तो हमें उसकी प्रॉब्लम ना हो। सो ये हमें पूरा फ्लावर बनाना है, एक्चुअली जो हमने मॉडल पे डिज़ाइन बनाया है मुझे उसी से रिलेटेड इस पर डिज़ाइन बनाना था, तो मैंने फ्लावर्स बना दिए हैं उनको लीव्स और ग्रीन कलर से डंडियों से मैंने उनको ऐड कर दिया है, इससे ये आपस में जुड़े हुए लगे और डिटेल्स में भी ध्यान दिया है। साथ ही मैं इसके फ्लावर्स पे ब्राउन कलर से सर्कल बना दूँगी। तो ये है पेसल का फाइनल लुक और ये बहुत क्यूट लग रहा है। तो हम चलते हैं लास्ट प्रोसेस की तरफ। तो सारे कलर्स के सूखने के बाद मैं यूज़ करूँगी वार्निश, जिससे कि सारे कलर्स एक सेट हो जाएं और ये
अच्छे से शाइन करे। तो हमारा रिक्रिएट मॉर्टर एंड पेसल मीन्स इमाम दस्ता रेडी है और इसका ये लुक तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कुछ क्रिएटिव करते रहें। बाय।